हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू ऑल? आई नो अभी तक आपने जितना भी वर्क हमने दिया है स्कूल से वो सब कर लिया होगा, तो हम आगे अब स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर्स. कंप्यूटर आप सभी को जैसे पता है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, कहाँ कहाँ काम आते हैं, ये हमारी लाइफ को ईजियर बनाते हैं. तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपने आज तक कभी कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पढ़ा है बिकॉज आपकी फर्स्ट क्लास है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये आपकी बुक है स्टेप इन टू ई वर्ल्ड, कंप्यूटर की बुक है. ठीक है, ये आपको जो स्क्रीन दिख रही है ये बिल्कुल टीवी के जैसे होती है. ये आपका वर्क इजी बनाती है. इसके ऊपर आप टाइप कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें आती हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. स्टेप इनटू वर्ल्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंप्यूटर और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड. कंप्यूटर एक बहुत अच्छे से वर्क करने वाला इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड है आपका. इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका फैन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर है, बट ये जो है ये आपको हेल्प करता है हमेशा. वो आपको हेल्प के साथ साथ आपको थोड़ी सी उस पर मेहनत करनी पड़ती है, बट इसमें कोई मेहनत नहीं है, आपको फटाफट से वर्क करके देगा. तो इसके अंदर आप क्या सीखेंगे, यू विल लर्न अबाउट कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के बारे में सीखेंगे, फीचर्स सीखेंगे कंप्यूटर के, और टाइप्स सीखेंगे कंप्यूटर के, कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो चिल्ड्रन लुक एट मी, थिंक व्हाट डू यू कॉल मी. चिल्ड्रन मुझे देखिए, बच्चों देखिए मुझे, ये कह रहा है. और अब मुझे ये बताइए कि आप मुझे किस नाम से बुलाएंगे. तो किस नाम से बुलाएंगे आप मुझे, ये क्या है, ये कंप्यूटर है. तो ये आपके फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहे हैं, मतलब ये पूछ रहा है कि आप मुझे किस नाम से बुलाएंगे. तो क्या है ये, आई एम अ कंप्यूटर, आई एम योर न्यू कंपेनियन इन योर जर्नी ऑफ एजुकेशन. मैं कंप्यूटर हूँ, मेरा नाम कंप्यूटर है, और मैं आपका एक फ्रेंड हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ. किसमें, आपकी जो एजुकेशन की जो जर्नी है, जो एजुकेशन की जो आपकी यात्रा है, जो आप नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, तो वो सारी जो यात्रा है उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा. ठीक है, ना सिर्फ इसमें, बहुत सी जगह, जैसे कि आपके फादर्स जाते होंगे, मम्मा जाती होंगे आपकी जॉब करने, तो वो लोग भी कंप्यूटर यूज करते हैं. कंप्यूटर नहीं करते होंगे तो लैपटॉप यूज करते होंगे, लैपटॉप यूज नहीं करते होंगे तो फोन के अंदर ही वो वर्क करते हैं. लेकिन जो भी वर्क होता है वो कंप्यूटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड है आपका, इसके थ्रू ही किया जाता है. ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज पर. अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर किड्स, कंप्यूटर इज अ वेरी स्मार्ट मशीन. डू यू नो व्हाट मशीन इज? तो ये पूछ रहे हैं कि किड्स, कंप्यूटर एक बहुत अच्छी स्मार्ट मशीन है. ये फटाफट से आपका जो वर्क आपको करने में बहुत टाइम लगता है उस काम को बहुत जल्दी से कर देती है. तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या, कौन सी मशीन है? ठीक है, मतलब सॉरी, क्या है ये मशीन, किसे कहते हैं? तो चलिए मशीन का मतलब समझते हैं. मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स दैट वी यूज टू डू वर्क. दीज आर वेरी यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. दे मेक आर वर्क ईजी, दे हेल्प टू डू द वर्क फास्टर, दे सेव आर टाइम एंड एनर्जी. मशीन एक मैन मेड थिंग है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई गई है, जो कि कार्य को आसान बनाती है. ठीक है, वो बहुत यूजफुल है, बहुत लाभदायक है कि अलग अलग तरीके से. ठीक है, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन आपके क्लोथ्स वॉश करती है. फ्रिज है, आपके जो फूड मटेरियल है उसको कूल रखता है. म्यूजिक सिस्टम है, जो कि आपके म्यूजिक आपको सुनाता है और आपको सूदी रखता है. फिर मोबाइल फोन है, जो कि आपका वर्क इजी बनाता है. एक प्लेस पे बैठे बैठे आप कहीं पर भी बैठ करके आप कॉल कर सकते हैं, किसी को भी कॉल कर सकते हैं. इंटरनेट यूज करके आप अपना जो व्हाट्सएप के थ्रू अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. उसके अलावा आपका एरोप्लेन है, एरोप्लेन भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, एरोप्लेन का. बट छोटी जगह नहीं, वो जो बड़ी जगह होती है, जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये अलग अलग वर्क है जो कि मशीन द्वारा किए जाते हैं. मशीन क्या करती है, हमारा वर्क ईजी कर देती है. वो क्या करती है, और हमारा टाइम और हमारी एनर्जी और हमारा पैसा, ये तीनों ही चीज वो बचाती है. ठीक है, चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर्स बिलो, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स, दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स. लाइक वॉशिंग मशीन, दिस इज यूज टू वॉश एंड ड्राई क्लोथ्स क्विकली. रेफ्रिजरेटर, दिस कीप्स वाटर एंड फूड आइटम्स कूल. म्यूजिक सिस्टम, दिस इज यूज टू प्ले म्यूजिक. मोबाइल फोन, दिस इज यूज टू टॉक टू अ डिस्टेंट पर्सन. एरोप्लेन, दिस टेक्स अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इन जस्ट फ्यू आवर्स.
तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हिंदी में ये चीजें पूरी इसका ट्रांसलेशन है, तो ये पूरा ही ये सबके घर में ही मिलेगा। केवल एक इसको आप छोड़ दीजिए, एरोप्लेन को। इसके अलावा वॉशिंग मशीन भी मिल जाएंगी, आपके मोबाइल फोन्स मिल जाएंगे, रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सिमिलरली, कंप्यूटर इज ऑल्सो मशीन विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट वर्क्स वेरी फास्ट विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, इट कैन डू मेनी टास्क एट अ टाइम, इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी। तो जैसे कि कंप्यूटर के बारे में बताया, मतलब मशीन के बारे में बताया गया है, तो कंप्यूटर भी एक मशीन है जो कि वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी पे, बिना बिजली के वो कार्य नहीं करेगी। अगर आप मान लीजिए लाइट चली गई और आप कंप्यूटर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको ठोक रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं चल रहा है, तो चलेगा ही नहीं, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। ये वर्क बहुत अच्छे से करता है, बहुत जल्दी करता है और बिना किसी मिस्टेक के। जैसे कि अगर आपको एडिशन करना है या फिर कोई ड्राइंग बनानी है, तो आप नोटबुक में बनाएंगे तो उसे बहुत टाइम लगेगा, या फिर कोई टाइप करेंगे, मतलब नोटबुक में पेन से लिखेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। जबकि यही चीज अगर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करेंगे तो फटाफट से आपका टाइप होगा और मिस्टेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो टाइम टू टाइम आपकी मिस्टेक्स को बता के और उसको सही करता है, ठीक है। और ये बहुत सारे वर्क करता है, टास्क करता है एक ही टाइम में, ठीक है। ये आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एज, कंप्यूटर किस किस चीज में यूज हो सकता है, जैसे आपका म्यूजिक सिस्टम है म्यूजिक चलाने में, टेलीविजन है मूवीज और क्या बोलते हैं वीडियोस देखने में, आपकी चॉइस की जो भी आप देखना चाहते हैं, डायरी है आपका स्टोर इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, या फिर किसी के आपको फोन नंबर्स ऐड करने हैं, या फिर आपको एग्जाम्स के लिए नोट्स बनाने या फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखने, मान लीजिए आपने कंप्यूटर पे लिखा तो वो उसमें स्टोर हो जाएगी। कैसे? जब आप उसको सेव करेंगे तब वो स्टोर हो जाएगी। कैलकुलेटर टू सॉल्व कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर क्या मतलब कैलकुलेटर का यूज करती है वो कैलकुलेट करने में, ड्रॉइंग कैनवास टू ड्रॉइंग पेंट आर इमेजिनेशंस, ड्रॉइंग आप कर सकते हैं उसमें, प्ले स्टेशन आप उसमें गेम खेल सकते हैं, नोटबुक टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, नोटबुक आप उसमें बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करके, है ना। तो ये बहुत सारे यूज है इसके। नेक्स्ट है, वाओ क्या है ये फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। ये आप, ये पूरा कंप्यूटर है, ठीक है। दिस इज योर डिस्प्ले, दिस इज योर कीबोर्ड, दिस इज योर सीपीयू, दीज आर द स्पीकर्स, दिस इज द माउस, है ना, ये मॉनिटर है। तो ये आपका कंप्यूटर की पिक्चर है पूरी, बिना इसके ये नहीं चल सकता, विदाउट इसके ये वर्क नहीं करेगा, विदाउट इसके भी ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अब चलिए करें स्टार्ट। इट कैन वर्क वेरी फास्ट, ये है, ये आपकी जो मॉनिटर है, जो स्क्रीन है, ये वर्क बहुत अच्छे से जल्दी करती है। इट हैज अ मेमोरी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये सीपीयू जो है आपका, इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो ये फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट नेवर मेक्स अ मिस्टेक, सीपीयू आपका मिस्टेक नहीं करता, यानी कि जितनी भी चीजें हैं ये पूरी कंप्यूटर फीचर्स हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है। इट कैन परफॉर्म मेनी टास्क, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। इट वर्क्स व्हेन गेट्स कमांड्स फ्रॉम यूजर्स, ये जब ही काम करेगा जब आप इसको बोलोगे, यानी कि जब आप इसमें कुछ एंटर करोगे, प्रेस करोगे, तब जाकर के वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। इट नेवर गेट्स टायर्ड, आप थक जाओगे बट कंप्यूटर नहीं थकता है, आप इसको घंटों तक चलाइए, ये आराम से आपका वर्क करेगा, ओके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप कंप्यूटर होता है, पाम टॉप होता है, और ये वाला एक नेक्स्ट पाम टॉप जो अभी चल रहा है वो वाला होता है। जैसे कि डेस्कटॉप है, दिस इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, इट इज लार्ज इनफ टू बी प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आप टेबल के ऊपर रख के इसको बहुत अच्छी तरीके से, टीवी के जैसे होता है, इसे आप चला सकते हैं डेस्क के, बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है, मतलब जितना कि आपका पाम टॉप है उससे तो बड़ा ही है, पाम टॉप आपके हैंड में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका लैपटॉप, दिस इस अच्छा डेस्कटॉप को आप केवल टेबल पे यूज करके ही वर्क कर सकते हैं, आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। लैपटॉप क्या है, दिस इज अ लैपटॉप, इट इज पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी कैरिड एनीवेयर, लैपटॉप क्या होता है देख सकते हैं पिक्चर, इस लैपटॉप ये पोर्टेबल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है और बहुत ईजी कैरी होता है, एक बैग में आप डाल के अपने कंधों पे भी इसको यूज करके शोल्डर्स पे यूज कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं। दिस इज अ पाम टॉप, इट इज स्मॉल इनफ टू फिट ऑन द पाम ऑन योर हैंड, यू कैन कीप इट ऑन योर पॉकेट टू, ये पॉकेट में भी रख सकते हैं, मोबाइल फोन के जैसे होता है ये, इसको पाम टॉप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये अब जो प्रेजेंटली पाम टॉप चल रहा है, ठीक है, तो नाउ अ डेज इवन मोबाइल फोन आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ वर्किंग लाइक कंप्यूटर्स, अब क्या है ये फोन जो है, मोबाइल फोन है, उसके अंदर भी कंप्यूटर्स आप प्ले कर सकते हैं, मींस कंप्यूटर्स का वर्क कर सकते हैं, तो इसे हम पाम टॉप कहते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है आपका वर्दी टर्म्स, कंप्यूटर अ मैन मेड मशीन दैट वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्प्स यू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, लिसन टू म्यूजिक, सॉल्व सम्स एटसेट्रा. मशीन अ थिंग मेड बाय मैन फॉर कंफर्ट एंड टू सेव टाइम. कंप्यूटर क्या एक मैन मेड मशीन है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, मशीन का भी बताया दिया मैंने आपको मीनिंग. तो यहाँ पे चैप्टर का कंसेप्ट है कंप्यूटर इज अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन. मैन मेड है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये. इट कैन डू मैनी टास्क, बहुत सारे वर्क कर सकती है. इट कैन स्टोर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है ये. डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पामटॉप आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. ये थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं आपके यहाँ पे. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है. अब आप देख सकते हैं एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जो आंसर आपका करेक्ट है उस पर आपको टिक करना है. कंप्यूटर इज अ डैश और डैश, अब इन दोनों में से जो सही है वो आप लिखेंगे. कंप्यूटर वर्क्स ऑन डैश डैश, दोनों में से जो सही है वो आप करेंगे. यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट. विच कंप्यूटर इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर, तो जो करेक्ट आंसर है उसे आप यहाँ फिल करेंगे. सेकेंड है आपका चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स को आप रीड करेंगे. रीड करके यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं दो, दोनों में से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग. यहाँ आपको पिक्चर्स दिख रही है, पिक्चर्स के हिसाब से आपको रीड करना है, रीड करके इन्हें मैच करना है. नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स गिवन हियर केयरफुली. राइट एम इफ इट इज अ मशीन एंड एन एम इफ इट इज अ नॉन मशीन, इट इज अ नॉट अ मशीन. एम तो लिखना है मशीन के लिए और एन एम लिखना है नॉन मशीन के लिए. तो आपको पता है अच्छे से मशीन कौन सी है और नॉन मशीन कौन सी है. ठीक है, फिर यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें आप बुक में से ढूंढ के लिखेंगे और इसके बाद में आपको आंसर्स भी सेंड करेंगे हम. तो जिसने कर लिया हो वो उसमें से मैच करके और अपने आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेम द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर्स. नाउ पिक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड राइट इन द स्पेस गिवन लेट. ठीक है, ये आपको पिक्चर्स दे रखी है, इनकी स्पेलिंग्स आपको यहाँ पर लिखनी है. ओके, लाइक कप, सी यू पी कप, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, इस तरह से आप लिखेंगे. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. ये आपको यहाँ हेल्प बॉक्स दे रखा है, इन्हें आपको रीड करके करेक्ट आंसर जो है आपका वो इसमें लिखना है. वाओ, कलर टाइम, कलर आ गए आपके लिए. बोर हो गए आप थोड़ा सा, तो चलिए कलर्स करते हैं. ज्वाइन द डॉट्स टू कम्प्लीट द ड्रॉइंग ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स एंड फिल कलर्स इन इट. ये आपको यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर दिख रही है. ये सीपीयू है, ये स्पीकर है, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये स्पीकर है, ये प्रिंटर है. ये नया है आपके लिए क्योंकि पहले चैप्टर में नहीं आया, तो इसमें प्रिंट करते हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो इन डॉट्स को ज्वाइन करना है. ज्वाइन करने के बाद अपनी इच्छा से जो भी आपको कलर्स अच्छे लगते हैं वो आप इसमें फिल करेंगे. ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय एवरीवन.